ईसाई मिशनरियों के धर्म सभा में लगातार हो रहे आक्रमण को लेकर ईसाई मसीही समाज ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी सुरक्षा की मांग करी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश ईसाई मसीह समाज संघ जन कल्याण सेवा समिति की दुर्ग इकाई ने दुर्ग जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गिरजाघरों व धर्म सभा में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर सुरक्षा की मांग की। इस मौके पर ईसाई मसीही समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को जानकारी देते हुए कहा कि मसीही समाज के गिरजाघरों व धार्मिक आयोजनों में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न कर धर्मांतरण जैसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई कर मसीही समाज को दंडित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मसीही समाज के मृतकों को दफनाने जमीन तक नहीं दी जा रही है, जिससे मसीही समाज चौतरफा प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। मसीही समाज ने जिला कलेक्टर से मांग करते हुए कहा है कि धर्म सभाओं को प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई करते हुए मसीही समाज को सुरक्षा प्रदान करें ताकि वे शांतिपूर्वक प्रभु की आराधना कर सकें। इस संबंध में न्यूज टीम को पास्टर सहित समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं भी प्रभु का बहुत धन्यवादी हूँ, आज एक ऐसा मौका हमें मिला है कि हम आप सबके सामने आ सके, और विशेष करके ये जितने भी अभी विरोध की बातें चल रही है, वास्तव में ये विरोध होने का कोई कारण है ही नहीं। सचमुच में यदि देखा जाए तो परमेश्वर की योजना एक ही है, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर नाशमान पृथ्वी में इसलिए आया है कि पापी उद्धार पाए, और यीशु मसीह कोई धर्म जाति बनाने के लिए आया ही नहीं है। और सचमुच में लोगों को धर्म का डेफिनेशन मालूम ही नहीं है, क्योंकि बाइबल में व्यवस्था विवरण उसके आमीन 5:26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हालांकि परमेश्वर की आज्ञाओं के मानने में चौकसी करे तो यह तुम्हारे लिए धर्म गिना जाएगा। तो हम सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, हमको किसी दूसरे को हमको झूठा इल्जाम नहीं लगाना है। हालांकि यदि कोई दुखी है उसके साथ देना है, यदि कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करना है, यदि कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है तो उसको उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते, प्रभु जो कुछ करता है यीशु मसीह करते हैं, और यीशु के नाम से ही अधिकार दिया गया है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सब नामों में एक नाम श्रेष्ठ दिया गया है, वो यीशु का नाम है। और वचन कहता है हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक मुख अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, और ये सच्चाई है। ये आज आप लोगों ने कलेक्टर से क्या मांग किया? हमने उनसे इसी बात को बोला कि हमारे प्रभु के दास लोग जो हैं उनको उठाकर लेकर जाते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं, मारपीट करते हैं, कहीं पर भी आकर वो लोग रुकावट करते हैं, जबकि अभी सब चर्चेस बंद हैं। हमारे जो घरेलू कलीसिया है, हम लोग डर कर हम लोग यहाँ सेवा करते हैं, हमको डर लगता है कि कोई भी आकर कभी भी हमला कर जाएगा, लेकिन सच्चाई कहे तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो हमला करने आ रहे हैं ना उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, हम उनको अपने से अलग नहीं किए। इसलिए हमारा यही है, उनको ये समझ आ जाए, उनको ये मालूम हो जाए कि हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम उनके अपने लोग हैं, अपने ही सगे भाई बहन हैं, और वे लोग इस सत्य को जाने और अनंत जीवन को प्राप्त करें। अनंत सुनवानी प्रदेश महासचिव भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़, और आज ईसाई समाज के द्वारा उनके ऊपर हुए अन्याय अत्याचार को लेकर यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। जैसे कि विगत मंथ में यहीं भिलाई में भी चर्च को तोड़ा गया है बजरंग दल वालों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, अभी जामुल में और शिवपुरी में तोड़ा गया है। और दिक्कत की बात तो ये है कि तोड़ने वालों को छोड़ के वहाँ के पादरी को उठा के ले गया गया पुलिस के द्वारा। और जब हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया तो कलेक्टर साहब का ने साफ मना कर दिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कि जिला अधिकारी को उसके जिला में होने वाले जुल्म की जानकारी नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी लोगों को अपने जाति धर्म को मानने का पूरी तरह से आज़ादी है, तो क्यों इन लोगों के साथ गलत किया जा रहा है? और इन लोगों के साथ अगर गलत किया जा रहा है, गाली गलौज मारपीट किया जा रहा है, तो 294, 295 IT 67, 295A धार्मिक भावना को खंडित करना, चर्च को तोड़ना, 452 किसी भी घर में घुसना, चर्च में घुसना, बहुत सारे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन सुस्त पड़ी हुई है, जिसके कारण हम लोगों को आज यहाँ पर इकट्ठे होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना पड़ा। और ये तो शुरुआत है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, अपनी बातों को
वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर मोजे स्लोगन, आज हम लोग मसीह समाज के ऊपर जो सताव चल रहा है उस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हमारे धर्म में हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई भी जात धर्म के लिए नहीं आया था, वो मानव जाति के लिए आया था, पापियों के लिए आया था, और पापियों को सही दिशा में आ जाए उस संबंध में उन्होंने प्रवचन दिया है। और हमारा समाज कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म जाति का धर्म चिन्ह नहीं करता है, और हम लोग के समाज एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है और वचनों के द्वारा लोगों के लिए बताता है कि भाई भाई से प्रेम करो और अपने विरोधियों से भी, जो अपने आपके जो विरोधी है उनसे भी प्रेम करने को हमारा समाज और हमारा धर्म बताता है। इसलिए हम लोग प्रभु वाले लोग हैं, दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम लोग कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। लोग हमारे चर्चेस में घुस जाते हैं, झूठा मूठा इल्जाम लगाकर हमारे ऊपर मारपीट करते हैं, हमारे धर्मशास्त्र को भी पैरों से रौंदा जाता है, और हमारे भाई बहनों लोग को भी अपमान किया जाता है, परेशान किया जाता है। और अभी जैसे आप लोग जान रहे, बस्तर संभाग में हमारे मसीह भाई लोग हैं जिनको मौत मट्टी होती है, उनको दफनाने तक भी नहीं दिया जाता है, और पानी भी पीने पानी नहीं देते हैं, और पानी बंद। क्या मांग किए हैं आज आप लोगों ने? हम लोग यही मांग किए हैं कि भैया हम लोग को भी, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हम लोग को भी सीधे से मतलब दुआ प्रार्थना करने दिया जाए, हमारे ऊपर अत्याचार ना किया जाए। हम लोग किसी से भी किसी का भी धर्म चेंज नहीं करते हैं, हम लोग के पास्टरों के ऊपर हमारे ऊपर कोई भी झूठा झूठा ब्लेम लगाकर केस दर्ज ना कराया जाए, और एक भी आप प्रूव कर देंगे तो हम फांसी भी चढ़ने को तैयार हैं। हम लोग किसी का भी धर्म चेंज नहीं करते, झूठा झूठा इल्जाम लगाते हैं कि पैसे देकर प्रलोभन देकर और धर्म चेंज कराते हैं। हम लोग जात धर्म के लिए नहीं प्रचार करते हैं, हम लोग मानव जाति के लिए सेवा भाव से करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।